दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को रौनते ही इन चार बड़ी टीमों को एक झटके में कर दिया बाहर। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेले और जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। तो वहीं भारत ने बारिश से प्रभावित रहे मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रनों से हराते हुए टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल की है। भारत ने जीत के साथ ही सेमीफाइनल की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो वहीं ग्रुप दो में स्थित भारतीय टीम ने जीत के साथ ही अपने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है। भारत को अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है और यदि उन्होंने वहां मैच जीत लिया तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। भारत का नेट रन रेट भी काफी अच्छा है तो ऐसे में अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं भारत की जीत ने पाकिस्तान की चिंता जरूर बढ़ा दी है क्योंकि अब उनके लिए सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें और भी कम हो गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों में जहां 5 पॉइंट हैं, अगर दक्षिण अफ्रीका अपने बाकी के 2 मैचों में 1 मैच जीत लेती है तो वह भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। वहीं ग्रुप 2 से भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं और ग्रुप 1 में सेमीफाइनल की दौड़ काफी दिलचस्प बनी हुई है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास सेमीफाइनल में जाने का अच्छा मौका है। तो वहीं आपको बता दें कि आज भारत की जीत के बाद ग्रुप बी में 4 टीमें बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, वहीं पहली टीम नीदरलैंड की जो कि पहले से ही बाहर हो चुकी है, तो वहीं इसके बाद पाकिस्तान की टीम है, तो वहीं इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम भी सेमीफाइनल से बाहर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अगर पाकिस्तान से हार जाती है तो साउथ अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।